مع الجحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. हमने किसी भी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि हमने उसके रहने वालों को मुश्किलात माली मुश्किलात में और जिस्मानी मसाइब के अंदर गिरफ्तार किया ताकि वो लोग अल्लाह के आगे झुकें। उसके बाद हमने बुराई की जगह उनके हालात अच्छे कर दिए यहाँ तक कि वो खूब आसाइशों में हो गए और यूं कहने लगे कि हमारे आबा और अजदाद उनको भी तो ऐसे हालात पेश आए थे। फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया और उनको एहसास भी नहीं था। अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते, लेकिन इन्होंने तो इनकार किया तो हमने इनके अमाल के सबब ने इनको पकड़ लिया। क्या ये बस्तियों वाले इस बात से मुतमईन है कि हमारा अजाब इनके ऊपर नहीं आएगा रात के वक्त जबकि ये सोते हो, या हमारा अजाब इन पर नहीं आएगा दोपहर के वक्त जबकि ये खेलकूद में मसरूफ हो? क्या इन्हें खुदा ताला के चाल से बहुत ज्यादा इत्मीनान है? खुदा की चाल से वही लोग मुतमईन होते हैं जो घाटे में पड़ने वाले होते हैं। तो वो लोग जो जमीन में बाद में बारिश हुए उन कौमों के, क्या उनको ये राह नहीं मिली? क्या उनको ये समझ नहीं आई कि अगर हम चाहें तो उनकी गुनाहों के सबब उनको गिरफ्तार कर सकते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर कर सकते हैं, फिर वो सुनते क्यों नहीं? ये वो बस्तियां हैं जिनके हालात हम आपको सुना रहे हैं और उनके पास उनके रसूल आए थे निशानियां लेकर, लेकिन वो ईमान नहीं लाए इसलिए कि वो पहले ही इनकार कर चुके थे और अल्लाह ताला काफिरों के दिल को इसी तरह से मोहर लगा दिया करता है। हमने इनमें से अक्सर लोगों को अहद का पाबंद नहीं पाया और हमने इनमें से अक्सर लोगों को हुदूद एहतियात से निकल जाने वाला पाया। वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसा वद्दर्रा लअल्लहुम यज़रऊन। हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर ये कि हमने उसके रहने वालों को हर तरह के आफात और मुश्किलात से आजमाया ताकि उनके दिलों में विकास करें। इसी आयात में आपने कई मुख्तलिफ कौमों के हालात सुने, कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, ये सब हालात कौमों के आपने सुने जिनके ऊपर आजाब आए, जिनकी मुश्किलात आई, इनके ऊपर मुसीबतें आई और जब ये अल्लाह की दी हुई हिदायत से इनके दिल पिघले नहीं तो खुदा तआला ने इनको आजाद का शिकार किया, ये तबाह बर्बाद हुए। ये सारी पूरी कहानी आपके सामने सारी कौमों की आई और इसे जाहिर होता है कि हर दौर में दलाइल जो होते हैं कुफर वालों के बातिल वालों के ऐसे होते हैं। खैर ख्वाही और गमखारी जो पैगंबर करते हैं उनके साथ, अहले हक करते हैं उनके साथ, जो दिलसोजी और गमखारी वो हमेशा वही होती है और बातिल वालों के दलाइल हमेशा वही होते हैं। वही दलील हर दौर में अहले बातिल देते रहे, एक ही दलील
कि आप ही हमें समझा हमारे अंदर बाकी आदमी पैदा हुए हैं। दुनिया की चीजों से, दुनिया के हालात से सब ज्यादा अलग थलग आप ही पैदा हुए हैं, ये दलील है। और हर दौर में जो लोग उनके पास सच्चाई के पैगाम लेकर आए उनके लिए अनुसार उनको हम दर्ज करें। तो एक दलाइल, एक जबान, एक लहजा, एक जहनीत हर दौर में हुई है, इस बात को अल्लाह ताला बयान कर रहा है। हर बस्ती गोया मक्का होती है, ये कुरैश की बात नहीं है, हर बस्ती मक्का होती है अपने मामले में। और हर गमगुसार जो भी कौम का होता है वो तानों का और शहजा का शिकार बनता है, जैसे कि अम्बिया इकराम होते हैं। जब कभी भी लोगों के सामने सच्चाई की बात रखी जाती है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उस बात कहने वालों का, उनकी राह मुश्किल, उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं, अपने आप को अकलमन कहते हैं, अपने आप दानश्वर माने जाते हैं, अपने धर्म से आगाह और सच बात की तरफ बुलाने वाले, उनका मजाक उड़ाया जाता है, ये हमेशा तारीफ नहीं है, इसको अल्लाह ने बयान किया। और यहाँ पर एक आम उसूल अल्लाह ताला बयान कर रहा है, जनरल बात कि अल्लाह तबारक व तआला कौमों को पहले आजमाया करता है, मुसीबत में डालता है, पहले मुसीबतें डालता है। जब किसी कौम को अल्लाह ताला बर्बाद करने का इरादा करता है या नाराज़ को लाने का इरादा करता है, कौमों को जो दिमाग खराब उनके हो जाते हैं, सरकश हो जाती है, ताकत के नशे में दूर हो जाती है, दौलत और माल दौलत के नशे में, अपनी जमीयत और अपनी सियासत के नशे में आपस से बाहर हो जाती है, जो कौम है अल्लाह ताला उनको दुरुस्त करने के लिए जो अपने कानून कुदरत है वो ये है कि पहले उनके ऊपर वो बासा और घबरा नाजुक हो जाता है। बासा कहते हैं इस काबिल मुश्किल को, माली मुश्किल को, और दर्रा कहते हैं जिसमानी मुश्किल, यानी ऐसी कौमों के ऊपर अमराज आते हैं, ऐसी कौम में माली मुश्किल का शिकार होती है, इकतसादी बहरान का शिकार होती है, बासा ही पहले अल्लाह ताला ये क्या करता है उसकी वजह बताई, लाल लहूँ ये गुजर रहूँ, लाल लहूँ यजर रहूँ, ताकि उनके दिन के लिए बुजुर्गों के लिए होता है ये अल्लाह ताला कानून बयान करता है कि कौमों के दिल की सख्ती को नर्म करने के लिए उनको हालात की आँच की जाती है, ताकि तब जाए वो तबने के बाद दिमाग उनके सही हो, दुरुस्त वो माली मुश्किल का माली मुश्किल का शिकार होती है कौमें या फिर अमराज का शिकार मकसद ये होता है ताकि उनके गुरूर के गुरूर छाया हुआ है, जो नशा छाया हुआ है कम को अल्लाह के एहसास, अल्लाह की ताकत के एहसास, अल्लाह ताला की अजीम है, कैसे ताकत वाला है, ये बात उसके अंदर आए। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि खुदाए तआला हालात को बदलता है, और बदलने के बाद बदलना मकानत सही अकील हासत ये करते हैं कि जब कौमें मुश्किल में पढ़कर भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं होती, दिल में नरमाश नहीं आती, दिल में विरास पैदा नहीं होता, गर्व नहीं होता, तो फिर हम उसको अच्छे हालात में कौन बुलाए, माही एतबार से मजबूत, जिसमानी एतबार से सेहतमंद हालात बेहतर हो जाते हैं, बहुत आला हो जाते हैं, माही निज़ाम मुस्तहकम हो जाता है, कौम जो है जमीयत के एतबार से और अपनी ताकत के एतबार से और ज़ाहिरी शानत के एतबार से बहुत बुलंद और मुमताज़ हो जाती है, उसमें बदलना मकाना ये कुछ हासन है, हत्ता आफा हो यहाँ तक कि बिल्कुल आफे से बाहर हो जाते हैं। وقالوا قد بس ابانا والله وسلاه, और उसके बाद वो ये दानिश वराना फलसफा बयान में रहते हैं कि जिंदगी में जो ये हालात आते हैं, ठंडे और गर्म, जो शब्द गर्म दुनिया में आता है, कभी मुसीबत है, कभी सुख है, कभी तकलीफ है, कभी सुख है, इसका कोई भी ताल्लुक आमाल से नहीं है, ऐसा तो होता ही आया, होता रहता है, ये फलसफा वो झाड़ते हैं। قد بس ابانا والله وسلاه, क्या हमारे आबा अजदाद के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, उन पर भी कभी मुश्किल हालात आते थे, उनके ऊपर भी कभी अच्छे हालात आते थे, कभी वो बासा का शिकार बनते, कभी वो दर्रा का शिकार बनते, तो हर तरह के हालात उन पर भी आ जाते, तारीख को पेश कर देते। फिर ये कि आज के दौर में अगर कोई आदमी ये कह रहा है तो ये मुश्किल इसलिए आ रही है कि तुम नाफरमानी कर रहे हो अल्लाह ताला की, देता थी नाफरमानी से या फर्मा बर्दारी, अच्छे कामों से या बुरे कामों से हालात का कोई ताल्लुक नहीं, ये वो फलसफा जानने लगते हैं, कदम साहब आना होगा ना मकसद, और ये वो इसलिए होता है अल्लाह ताला ये इसलिए करता है ताकि उनकी तकलीफ पूरी तरह से जाहिर हो जाए, ताकि वो बिल्कुल अंधे हो जाए, आंखों पर चढ़ी चढ़ जाए, जिससे उनको खूब मजे हो जाए और खूब अकड़ के बात करें, इसलिए खूब अच्छी तरह समझते हैं कि कामयाबी जो हमने हासिल की है ये मुश्किल के बाद, ये दरअसल हमारी प्लानिंग का, हमारे कट का नतीजा है, हमने जो वसाइल इख्तियार किए हैं, जो बेहतर प्लानिंग की है हमने, जो कट हमने इस्तेमाल किए हैं, उसकी वजह से हम कामयाब हुए, इसका कोई ताल्लुक कामयाबी नाकामी का अमाल से नहीं है, बल्कि प्लानिंग से है, सही प्लानिंग से। तो ये होता है कौमों की जिंदगी में कि खुदाए ताला पहले मार मारता है उनको, और मारने के बाद भी फिर सही नहीं होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे ऐसी दराज कर देता है, दिल छोड़ देता है, और उसके बाद
वो बेहतर हालात का शिकार होते हैं, बेहतर हालात इनको बढ़ाते हैं कि जनाब बहसना शुरू कर देते हैं कि अरे भाई ये सब क्या है, बेकार की बातें झाड़ते रहते हैं लोग, बुरे बुराई होंगी तो आफतें आएंगी, अच्छाई होंगी तो साहब बड़ी खुशहाली आ जाएगी। ये बात नहीं है, कोई बात नहीं है, खुशहाली और बदहाली का कोई ताल्लुक अमाल से नहीं है, बल्कि सब तो होता आया। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया कि ये कानून है अल्लाह तआला बासा और जर्रा को पहले गाली फरमाता है और उसके बाद ही जब कोई रुजू नहीं होता अल्लाह की तरफ तो फिर अल्लाह ताला मजीद उसके लिए हालात को साजगार कर देता है, इतना साजगार कर देता है कि फिर उसे अपनी इस्लाह का ख्याल भी नहीं रहता। जब तक आदमी अजाब का और मुसीबतों का शिकार है तब तक तो ठीक है, तब तक तो कम से कम इस बात का इम्कान है कि आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, या मुश्किलों में है, मुसीबतों में है, लिखा है चाहेगा मुश्किलों मुसीबतों में आजमाइशों में चलकर अल्लाह ताला याद आ जाए आदमी को, अल्लाह ताला के सामने रोने लगे आदमी, गुजराने लगे हाथ फैला के पूरा याद आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन गुनाह जब रास आ जाए आदमी को, गुनाह करे और कामयाब हो, गुनाह करे और बैंक बैलेंस में इजाफा हो, गुनाह करे और किसी कोई उसके ऊपर कोई आफत ना आए, कोई मुसीबत ना आए, तो फिर ऐसे ऐसे कौन को और ऐसे आदमी को सही करना बहुत बुरा हो जाता है। गुनाह जब पच जाए आदमी को, रात आ जाए, गुनाह करके भी सरसों में शादाब हो जाए, ये खुदा का बहुत बड़ा अजाब होता है। आफतें और मुसीबतें तो आदमी को खुदा से जोड़ती हैं, लेकिन खुशहाली और खुशहाली में गुरूर जो आता है ये आदमी को खुदा से और भी दूर कर देता है। ऐसे आदमी को तौबा की तौफीक भी नहीं होती, ऐसे आदमी ऐसी कौम खुदा की तरफ लौट के आती है, पलट के भी नहीं आती। तो ये खुदा ताला फरमा रहा है ये मेरा मतलब, इसको अल्लाह ताला फरमा रहा है ये मेरी चाल है, मेरा अंदाज है, कौमों को फांसने के लिए ये मेरा जाल है। मैं इस तरह से करता हूँ कि कौमें पहले मसाइब और मुश्किलात का शिकार होती हैं और ये इसलिए होता है ताकि तजर्रो आगे उन्हें गुजार करें। अफराद के एतबार से भी यही कानून है और कौम के एतबार से भी यही कानून है। मुश्किलात जब डाली जाती हैं तो इसलिए डाली जाती हैं ताकि तजर्रो हो, और वो मुश्किलात पहले खुदा के पैगंबर आगाह करते हैं कि अगर तुमने हक की मुखालफत की, गुनाह के रास्ते पर चले, जुल्म तुग्यान का रास्ता अपनाया तो तुम पर मुश्किलात आएंगी, इसके आगाह करते हैं खुदा के पैगंबर और उनकी आगाही की तस्दीक करती है कायनात। तो वाकई वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं ये लोग, क्योंकि खुदा और उसकी कायनात अलग अलग तो नहीं, खुदा के पैगंबर, खुदा की कायनात और खिलाफत ये सब चीजें आपस में अलग अलग नहीं, एक ही बात है। सच्चाई खुदा की तरफ से आती है, पैगंबर खुदा का बयान करते हैं, कायनात दूसरी करती है, वो जो आगाह करते हैं उनकी वजह से टूटती है, कौमों के ऊपर आफतें टूटती हैं और मकसद होता है तजर्रो। लेकिन इसको मानते नहीं है लोग और कहते हैं कि ये सब तो हालात हैं, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर तो होता ही रहता है, इसमें क्या हो गया, दुख सुख तो लगा हुआ है, धूप छाव दिन रात आ रहा है दुनिया के अंदर, कभी दुख है कभी सुख है, कभी धूप है कभी छाव है, कभी दिन है कभी रात है, कभी मर्द है कभी सेहत है, तो ताल्लुक ये क्या चीज को भी लगाई आपने, अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह से दिल जोड़ेगा तो कामयाब रहोगे, नहीं जोड़ेगा तो नाकाम हो जाओगे, सब बेकार की बात। हम मान लेते हैं इस बात को, अगर हम ये देखते कि जो नेक हैं, जो नेक लोग हैं, उनके आसमान जहान कर रहे हैं हलवे के, और जो बद हैं वो बेचारे सूखे चमड़े चाट रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम आपकी बात मान लेते। हम मान लेते कि नेक लोगों के लिए तो आसमान से जो है शराब की जाम आ रहे हैं, उनके आगे आगे छलका हो रहा है सबकों का, और जो बद हैं उनके लिए पानी के बूंद को तरस रहे हैं, तो आपकी बात मान लेते। हम देखते अगर कि सैलाब उठा और सैलाब उठने के बाद शराब खाना तो बह गया, सिनेमा हॉल तो बह गया, सब घर तो बह गया, मस्जिद खड़ी रह गई, तो मान लेते हैं आपकी इस बात को। और ज्यादा हम ये देख रहे हैं जल्द आ रहा है तो मस्जिद भी ढह रही है, मंदिर भी ढहरिया है, शराब खाना भी ढहरिया है, हम आपके फलसफा कैसे मान लें। ये चीजों का ताल्लुक आमाल से होता है, सैलाब आता है तो सब तबाह हो जाते हैं, कोई जल्द आता है तो सब तबाह होते हैं, नेक हो या बद, टाउन फैलता है तो सब मरते हैं, नेक हो या बद, ये आप कौन सा फलसफा लेकर के आए। ये आमाल का ताल्लुक है आजमाइश, आजमाइश की खुदा की जो होती है वो बदों पर आती है और नेकों पर आती है, और उसका मकसद ये होता है, और जो लोग नहीं होते तो तबाह हो जाते हैं, जो बद हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ये सब नाकाबिल यकीन बात है, ऐसा नहीं है। आपने देखा हम पर मुश्किलें आई, हम उसके सारी मिठाई का शिकार थे, आफत थी, सही बनाने की जरा सही तरह सहज किया, जरा गट से इस्तेमाल किया, हालात बदल गए, हट कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, क्या नहीं थी क्या बदली थी ताल्लुक, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये हमारा कानून है, ऐसा होता है, यानी दलाइल यही होते हैं, यही बातें हर दौर में कही जाती हैं, हर कौम यही बात कहा करती है, उसके दानिशवर यही फलसफा खड़ा करते हैं। जब कभी ऐसी हादसा होती है कोई नई बात नहीं, कोई नई दलील नहीं है, कोई नई जहनीत नहीं है, हर दौर में यही बातें कही गई हैं और खुदा के पैगंबरों ने एक ही जवाब दिया है, सच्चाई की तरफ से इन बातों का एक ही जवाब मिलता है, वही जवाब आती है, वही सारी बातें आती हैं। तो पहले तो आप इस कानून को समझ लें और फिर इस बात को समझें कि अल्लाह ताला के इस कानून का मकसद क्या है, मतलब क्या है, फिर अल्लाह ताला इसको बताना आपको क्या चाहता है।
तो हम ये करते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है, हम ये करते हैं जब पहले हम माली में खिलाट डालते हैं, फिर हम जिस्मानी अमराज डालते हैं, हम ये कौमों को बचाते हैं, अफराद करते हैं। क्यों करते हैं ये? लाल लहून ताकि दिलों में विकास मिले। ये आजमाइशें जो आती हैं, जो नेक और बद पर सब पर आती हैं, अच्छे और बुरे पर सब पर आती हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं करती हैं, कोई फर्क नहीं करती हैं, सबके ऊपर आती हैं आजमाइशें। तो इन आजमाइशों का मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया तबाही बर्बादी नहीं है। कहाँ कहा, किसने कहा तबाही बर्बादी? मकसद इन आजमाइशों का तबाही और बर्बादी है, ये कहाँ कहा? मकसद है तजर्रो, यानी अल्लाह से दिल जुड़ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आए, खुदा का गुदाज दिल में पैदा हो। इसलिए होती हैं आजमाइशें। सैलाब अगर आते हैं, जल्जले अगर आते हैं खुदा की तरफ से, तो ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि सैलाब की हमेशा पर ताकत को देख कर, जल्जलों को देख कर, आपके दिल में खुदा की अजमत और खुदा की ताकत का एहसास पैदा हो। इसमें कोई बहस नहीं कि आप नेक नहीं हैं, कोई बहस नहीं है कि अगर आप नेक हैं तो आपको खुदा के डर की जरूरत नहीं है, और आप बद हैं तो क्या आपको तजर्रो की जरूरत नहीं है? तजर्रो इंसान की जरूरत है हर हाल में, चाहे वो नेक हो या बद। इसलिए आजमाइश जो होती है नेक और बद में कोई फर्क नहीं करती है। लेकिन आजमाइश के बाद भी जो कौम तजर्रो की राह पर नहीं चलती, खुदा के गुदाज उसके दिल में पैदा नहीं होता, और उसके बाद मुसलसल सरकशी की राह पर चलती है, तो फिर हम उसको जो है अच्छे हालात में लाते हैं, मजीद खतरनाक आजमाइश में लाते हैं। एक और आजमाइश, वो आजमाइश जो मुसीबतों में ली जाती है, दुख से, अजाब से, अमराज से, जो इस तरह की चीजों से जो आजमाइश हो, इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी से थाली के जरिए जो आजमाइश की जाती है। तो हम ये करते हैं कि हालात को आसमन कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, और ये खतरनाक आजमाइश होती है, तबाही का पेश करना होती है। जो इस आजमाइश में भी फेल हो जाए और फिर भी अल्लाह से न जुड़े, और फिर भी तजर्रो उनके दिल में न आए, तो फिर अल्लाह ताला उनको छांट कर तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, और इस अजाब से खुदा के नेक बंदे बचा लिए जाते हैं। ये अल्लाह ने अपना कानून बताया, यानी एक आजमाइश है और एक अजाब है। आजमाइश और अजाब को एक न समझें। खुदा ताला पहले बुरे हालात डाल करके आजमाइश लेता है, फिर अच्छे हालात डाल करके आजमाइश लेता है, और दोनों से मकसद होता है खुदा ताला की अजमत की याद दहानी कराना और उसके दिलों को जोड़ना, और फिर भी दिल नहीं जोड़ते अगर, तो फिर खुदा ताला उन बद किरदारों, बद लिबासों को बर्बाद कर दिया करता है, जो न अच्छे हालात में न बुरे हालात में किसी भी आजमाइश में खुदा को पहचान नहीं सके, उनको अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है। और फिर ये बर्बादी अजाब होती है, और इसका शिकार सिर्फ वो बद होते हैं जिन्होंने खुदा के मुकाबले में सच्चाई का रवैया अख्तियार किया, और खुदा के नेक बंदे उससे बचा लिए जाते हैं। जैसे पिछली सारी कौमों की तारीख आपको बताई, इन सब कुछ हुआ। कौमें आज में वो लोग बचा लिए गए जो अल्लाह को, जो अल्लाह तआला के पैगंबरों की तालीमात को मानने वाले थे, वो लोग कौम आद में से बचा लिए गए, कौम समूद में से वो लोग बचा लिए गए, कौम लूत में से वो लोग बचा लिए गए। अल्लाह की राह पर चलने वाले लोग बचा लिए जाते हैं, बिल आखिर वो अजाब का शिकार नहीं होते हैं, वो आजमाइश का शिकार होते हैं। इस बात को आपने समझ लिया तो आप इस बात को भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे हमारे ऊपर हालात आते हैं, मुसलमानों के ऊपर हालात मुश्किल से आते हैं, उनकी बीवी बच्चे जो है कहीं देर हो रहे हैं, या उनके ऊपर खतरनाक हो रहे हैं, या आग में जला जा रहे हैं घर, तो ये सारी चीजें खुदा का अजाब नहीं है, बल्कि खुदा की आजमाइश। अजाब नहीं, अजाब तो खुदा के बद बंदों पर आते हैं, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए, उनको नेस्त नाबूद कर देने के लिए, उन लोगों पर जो खुदा के बागी होते हैं, उस कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए, और जो मुनाफिहात जोड़ने के लिए जो आजमाइशें आती हैं, वो खुदा से जोड़ने के लिए आती हैं। ज्यादा मुसलमानों पर जितनी भी आजमाइशें, ये आजमाइशें हैं, ये अजाब नहीं, ये आजमाइशें हैं, ये अजाब नहीं है। इस वक्त आप समझ लें, लोग कहते हैं बहुत बद हो गए हैं, बहुत बुरे हमारे अमाल हो गए हैं, इसलिए खुदा ताला हमारे ऊपर अजाब डाल रहा है, तो ये अजाब नहीं है। अजाब खुदा ताला के उन बंदों पर आया करते हैं जिन्हें खुदा तबाह बर्बाद करने का फैसला कर ले, और खुदा ताला ने उम्मत मुस्लिमा को तबाह बर्बाद करने का फैसला नहीं फरमाया, बल्कि इसकी हिफाजत का फैसला फरमाया है, क्योंकि ये कुरान की महाफिज है, और कुरान की हिफाजत यही उम्मत तो करेगी, और कौन करेगी? अगर कुरान की हिफाजत का वादा है तो उम्मत की हिफाजत का भी वादा है, तो ये उम्मत कभी तबाह नहीं की जाएगी। वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वअन्तुम फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अल्लाह ताला ऐ रसूल, आपकी उम्मत पर कभी अजाब नाजिल नहीं फरमाएगा, कभी अजाब नाजिल नहीं फरमाएगा, इस उम्मत पर कभी अजाब नहीं आएंगे। तो जो लोग बड़े शान मुजाहदाना से, शान आसानी से कह देते हैं कि हम जो है अमल वाले नहीं रहे, इसलिए खुदा के अजाब हम पर टूट रहे हैं, और हमारी माए बहनें जो है घसीट जा रही है सड़कों पर, वो जानते ही नहीं खुदा का फलसफा अजाब और खुदा का फलसफा आजमाइश क्या है, ये जानते ही नहीं किस पर आजमाइश आती है और किस पर अजाब आता है, इस बात को वो जानते नहीं। खुदा ताला जिस कौम को तबाह बर्बाद करने का फैसला फरमाता है उस पर अजाब आते हैं, और जिस कौम को जगाने का फैसला करता है उस पर आजमाइश आती है, जगाना चाहे वो बद हो चाहे वो नेक हो, उस पर आजमाइश आएगी।
तो इसमें हमें कोई इनकार नहीं कि खुदा ताला हमें जगाना चाहता है, खुदा ताला हमें जगाना चाहता है, हम सोए हुए हैं हमें जगाना चाहता है। जगाना जो है वो इस बात की दलील नहीं कि खुदा हमसे नाराज है, खुदा तो हम अपने सारे बंदों को जगाना चाहता है, नेक हो या बद इसकी आज से सबके लिए आती है। तुम बदलना मकाना सैयद हसन, और उसके बाद हम उस बुरे हालात को अच्छाई से बदल देते हैं, हम बदलते हैं उनके घर उनके वसाइल नहीं बदलते, ये भी हम बदलते हैं, ये दूसरा पेपर होता है इम्तिहान का, ये दूसरा पेपर होता है। हत्ता अफ व कालू कदस आबाना सर्राओ सर्राओ, जब ये हालात आते हैं तो वो दानिश्वर बन जाते हैं, जरा खाल पे थोड़ी सी चिकनाहट आई तो बातें ही बदल जाती हैं, चहकने लगते हैं, बहुत शानदार फलसफे जाने लगते हैं। अरे भाई क्या ये आपने ऑर्थोडॉक्स बातें कर रहे हो, ये बातें भला इनका अमाल से कोई ताल्लुक है, दुनिया में सिलसिला चल रहा है, जैसा करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है, जब जहद करते हैं रिजल्ट निकलता है, आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, जाहिल हो जाओगे, पढ़ोगे तो पोस्ट पाओगे, सर्विस करोगे, मुलाजमत करोगे, एक वसूल है, चूल्हा जलाओगे आग जलेगी, नहीं जलाओगे नहीं जलेगी, दुनिया में हर चीज का वसूल चल रहा है, तुम कहाँ लेके बैठ गए उसको नहीं कर बदी, ये दुनिया कहती है आज भी हमेशा यही कहा, हमेशा यही कहा। लेकिन हम तो चूंकि अल्लाह की बातों पर यकीन रखते हैं, और हम तो चूंकि ये मानते हैं कि खुदा में, उसकी कायनात में, उसके रसूल में और सदाकत में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, खुदा ताला ही की बनाई हुई कायनात है, उसी के बताए उसूलों पर चलती है, और खुदा ताला जो सदाकतें पेश करवा रहा है अंबिया इकराम के जरिए उसी की दी सदाकतें हैं, इसलिए सारी बातों की तस्दीक कायनात खुद करती है अपने अमल से, और यहाँ पे कामयाबियां और नाकामयाबियां ये हमारे अमाल के नतीजे में भी आती है। हम इस बात के ऊपर ईमान रखते हैं, हम इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि हमारे अमाल के नतीजे में खुदा ताला ने हिसाब तो वहां रखा है, यौम हशर में हमारे सारे अमाल का हिसाब होगा, लेकिन उस हिसाब से पहले भी यहाँ दो चीजें रखी है, आजमाइश और अजाब। आजमाइश इसलिए ताकि खुदा से लोगों के दिल जुड़े, और अजाब इसलिए कि थोड़ा सा वहां का नमूना यहाँ नजर आ जाए कि अगर यहाँ पर अमाल का रिजल्ट होता है तो वहां क्यों नहीं है, इसलिए यहाँ भी थोड़ा अल्लाह ताला जो है उसका रिजल्ट यहाँ भी थोड़ा बहुत निकालता है अमाल का। तो फिर हम जो है उनको वो कहने लगते हैं कि हमारे आबा अजदाद भी तो इन हालात से गुजरे थे, उनके ऊपर भी धूप छांव आई थी हालात की, वो भी तो परेशान हुए, कभी अच्छे हुए, इनका कोई ताल्लुक नहीं है बदी से, नहीं है कौमों के अच्छे हालात से, नहीं है فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, और ये इसलिए होता है ताकि हम इनको अचानक पकड़ लें। जब ये जहनीत किसी कौम में आती है तो सो जाती है वो लंबी तार तान पैर पसार कर, उसको अपनी इस्लाह की फिर फिक्र नहीं रहती है, फिर वो अचानक शिकार हो जाती है सोते में, मार्शल का इंजेक्शन लग जाता है, ऐसे लोग लंबी गहरी नींद सो जाते हैं और खुदा का अजाब अचानक उनको पकड़ लेता है, तबाही बर्बादी कहाँ से आ जाएगी उनको इस बात का एहसास भी नहीं है। जब तक मुसीबतें रहे तो डर तो रहता है कि कहीं खुदा का अजाब तो नहीं है, लेकिन जब खूब खुल खेलने का मौका मिले तो फिर अपनी इस्लाह की तौफीक भी नहीं मिलती, लोग सोचते हैं सब ठीक हो गया, पाला मार लिया हमने, जीत गए, बस कामयाबी हासिल हो गई, बहुत जबरदस्त फलांग मारी है, खुदा के अजाब को फलांग गए, और ये पता नहीं जहाँ फलांग मार के पहुंचे हैं वहां पर तबाही का खड्ड मौजूद है, वहां मौजूद है, ये मालूम नहीं होता। फाखर नाम बख्तन, अचानक उनको गगन हम पकड़ लेते हैं, लबिल मिर्फात, घाट में बैठा रहता हूँ मैं, इन रब का लबिल मिर्फात, घाट में बैठा रहता हूँ, अचानक ही जो चूहे को पकड़ लेते हैं ना ऐसे पकड़ लेते हैं, इन रब का लबिल मिर्फात। तो ये खुदा ताला ने अपना कानून बताया, वलौ अन्ना अहले कुरा आमनु वत्तकौ, और अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और तक्वा अख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वलौ, तो हम इनके ऊपर जमीन और आसमान की बरकतें खोल देते, जमीन और आसमान की बरकतें खोल देते, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, आसमान से भी रिज़्क़ इनके लिए बरसता, जमीन से भी इनके लिए उगलता, जमीन इनके लिए उगलती, इनके लिए खोल देते। तो ये क्या बात है, आप कह सकते हैं तो कोई बात नहीं, अभी तो कुरान शरीफ खुद ही कह रहा है पिछली आयत में कि जो हम उनके हालात को फिर अच्छा कर देते हैं, बद लोगों के ऊपर भी रिज़्क़ बरसता है आसमान से और जमीन से, बदों पर भी बरसता है, बरस रहा था, बुरा निज़ाम बादल निज़ाम के अंदर भी बदलना मकाना सैयद हसना, उनके हालात अच्छे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, खूब ऐश करते हैं, खूब मस्ताते हैं, अगर इस्लाम के सबके में रोटी मिल गई तो उसमें कौन सा कमाल की बात हुई, मिलते उनको भी मिलती है, कुरान करीम खुद कह रहा है मैं बदलना मकाना सैयद हसना, हत्ता अफ व कालू, भर जाते हैं, छक जाते हैं, खूब इतना मिलता है बादल निज़ाम में, तो ये कौन सी बरकत का वादा कर रहा है अल्लाह ताला, फिर बरकत तो वहाँ भी मौजूद थी, अल्लाह ताला फरमाए अगर ये गुनाह का रास्ता अख्तियार न करते तो मैं इनको बरकत देता, जमीन आसमान से बरकतें इनके लिए बरसती। इसका साफ मतलब ये है कि वो जो हालात अच्छे नजर आ रहे हैं तुम्हें वो बरकत नहीं है, वो बरकत नहीं है, वो जो अच्छे हालात तुम्हें बातिल निज़ामों में नजर आते हैं वो बरकत नहीं है, वो कामयाब वो कोई सही, यानी ये समझिए कि वो जहर है बस, पहले जहर से खुदा ने आजमाया, जहर
शहर की जगह दूसरे उसका बदला उसमें शक्कर चढ़ा दी गई है। सिर्फ हालात अच्छे हुए का मतलब सिर्फ ये है कि उस जहर पर शक्कर चढ़ा दी गई। जूता रेशम के अंदर लपेट के मारा गया है, बस इसका मतलब सिर्फ ये है। ये नहीं कि आजाद या आजमाइश के हालात बदल गए, ये मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं, मतलब ये होता है सिर्फ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको एक ऐसी झूठी कामयाबी में मुब्तला कर देता है जो देखने में बज़ाहिर कामयाबी लगती है लेकिन उसके अंदर हलाकत छुपी होती है। जबकि इस्लाम के नतीजे में जो कामयाबी और जो माशी बहबूदी और फलाह मिलती है वो हकीकी होती है, वो बरकत होती है, वो वाकईतन बरकत होती है। वो वरम नहीं होता, जैसे इंसान के जिस्म में वरम हो जाए तो मोटा मोटा लगने लगता है, फिर काट ले तो चेहरा इतना बड़ा हो जाता है कि सामने तो बड़ा सेहतमंद हो गया। वो सेहतमंद ही नहीं है, वो खाली फिर का काटा हुआ वरम है, देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, सेहत नहीं है। हकीकी सेहत जो मिलती है, हकीकी बरकत जो मिलती है वो ईमान और तकवा के नतीजे में मिलती है। और वो देखने की जो बात होती है खाली देखने भर की, असही बदलना मकाना सैयद हसना वो होती है, वो उसमें धोखा लग जाता है लोगों को, लोग वर्म को सेहत समझने लगते हैं। हालांकि वो सिर्फ एक वर्म होता है, अपेंडिक्स होता है वो महज, और लोग समझते हैं कि कामयाबी है वसाइल की कसरत, अजबाब की कसरत, सामान की कसरत, लोग समझते हैं सारी बरकतें हैं, वो बरकतें नहीं है, वो एक झूठी झूठी यानी एक जाहिर नजर आने वाली कामयाबी है, अंदर तबाही अपने अंदर छुपाई हुई होती है। हकीकी बरकतें इस्लाम अता फरमाता है, ये दावा इस्लाम ने फरमाया। अब जरा आप इसमें मुलाहजा फरमाएं कि कुरान करीम क्या क्या रहा है, कुरान करीम आपसे क्या क्या रहा है। ये कह रहा है लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वलौ, अगर ये लोग ईमान और तक्वा की जिंदगी इख्तियार करते तो हम इनके ऊपर जमीन और आसमान से बरकतें नाजिल करते। तो दूसरी जगह वलौ ना किताब या मनु तक्व लफतहना लाकुलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, ये लोग अपने पैरों के नीचे से भी खाते, अपने जमीन के ऊपर से भी खाते, अपने आसमान के ऊपर से भी बरसता रिस्क के लिए। देखियो अल्लाह तबारक तआला ये जमीन के अंदर इसका वादा क्यों फरमा रहा है, वो तो जन्नत आखिरत आखिरत में मिलेंगी आपको सारी नेमतें, वहां पर हैं पेड़ लगे हुए आपके लिए, वहां पर हैं रिजाएं, वहां पर हैं फल फलार, वहां के बाद बातें होनी चाहिए थी। ये दुनिया के अंदर क्यों, ये क्या क्या मादी ताबीर है कुरान करीम, कुरान करीम दुनिया का लालच दे रहा है। दुनिया जो मच्छर के पर से भी ज्यादा दलील है, दुनिया जो मरे हुए कुत्ते से भी ज्यादा दलील है, उसका लालच दे रहा है आपको कि अगर इस्लाम के यहाँ पर आ जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें कामयाब हो जाएगी, इस वादा क्यों कर रहा है। तो बड़ा यानी कि आजकल के जो दाइयान इस्लाम है उनके नुकसान जरूर से ये कुरान करीम बड़ी काबिल एतराज़ बात कर रहा है, इससे तो रूहानियत मजबूत होती है, इससे तो खुदा ताला से ताल्लुक कमजोर होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे नेक पड़े हुए हैं कि जो इबादत खुदा की जन्नत और दोजख की किसी वजह से भी नहीं करते, जन्नत जन्नत को भी जला देंगे और दोजख में भी पानी से बुझा देंगे ताकि कोई जन्नत की लालच में और दोजख के डर से इबादत न करे। ऐसे ऐसे नेक पड़े हुए हैं और वहां पर कुरान करीम जो है दुनिया में लालच दे रहा है कि दुनिया में तुम्हें खाने को मिलेगा, दुनिया तुम्हें कामयाब हो जाएगी, खाओगे पैरों के नीचे से भी खाओगे आसमान से भी बरसेगा, ये सब क्या है। कुरान करीम तो रूहानियत की तामीर के लिए आया है कि तमद्दुन की तामीर के लिए आया है, कुरान करीम जन्नत की नेमतें आपको देने के लिए आया है कि दुनिया के धंधों में फंसाने के लिए आया है, तो ये दुनिया का लालच क्यों दे रहा है कुरान करीम, जरा गौर तो फरमाए ये क्या बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अरबों से पहले दिन फरमा रहे हैं कि अगर तुमने मेरा कलमा मान लिया तो सारा अरब तुम्हारे पैरों में गिर पड़ेगा और सारा अजम तुम्हारा ताबेदार हो जाएगा। ये हुकूमत का लालच भाई, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, लालच ये की बात नहीं कि लालच दे रहे हैं, हुकूमत का लालच दे रहे हैं कि सारा अरब तुम्हारे पैरों में गिर जाएगा और सारा अजम तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, ये सब क्या है। और यहाँ कुरान करीम कह रहा है इसका साफ मतलब ये है कि बहुत नाजुक मिजाज लोग जो रूहानियत की ताबीर और तशकील करते हैं वो कुरान करीम का पेश करता तस्वूर नहीं। कुरान करीम एक रियलिस्टिक हकीकत पसंद किताब है, वह आपको सही माना में जो सही उसूल दावत है उस अंदाज से आपके सामने बात रखती है कुरान करीम। क्या कुरान करीम से भी ज्यादा बेहतर कोई अल्लाह से जोड़ने वाली किताब हो सकती है, और क्या कुरान करीम से भी ज्यादा रूहानी सबक देने वाली कोई किताब हो सकती है। लेकिन कुरान करीम खुद इस्लाम को जो है दुनिया की तामीर का अनुमान बना के पेश कर रहा है खुद, ये एक दफ्तियाती हकीकत है। दुनिया में कोई भी कौम उस वक्त तक आपकी मिलत में शामिल नहीं होती है जब तक उसको ये यकीन ना हो कि मैं जिस समाज में शामिल हो रही हूँ ये समाज मेरी हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। आज दलित हैं, हरिजन हैं, लोग उनको मुसलमान करने की बात करते हैं, लेकिन इसके जब तक मुसलमान नहीं होंगे जब तक आपको ये यकीन ना दिला दें कि तुम्हारे पर जो मजालिम तुम्हारे समाज में हो रहे हैं, ब्राह्मण जो तुम्हारे पर मजालिम तोड़ रहे हैं, इन सारे मजालिम का हम मुकाबला करेंगे और हमें तुम्हें इन मजालिम से बचा लेंगे, अगर आप यकीन दिलाएं मैंने काम देखना चाहता है। इंसान की फितरत है, अल्लाह तबारक तआला इस फितरत को जानता है कि उसने उस इंसान को बनाया है। इंसान दुनिया में भी खुशहाल चाहता है, खुशहाली चाहता है, दुनिया में फटीचर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, ये आम इंसान की जिंदगी नहीं है। ये शुजूज है जो शार्ट जो इन खास खास लोग होते हैं, बाजे बाजे ऐसे चंद पैदा होते हैं बस दुनिया से अलग थलग बिल्कुल, जिन्हें नाली के अंदर लेटने मजा आता है,
लेकिन दुनिया में इंसान की फितरत खुदा ने ऐसी बनाई है कि वो आदमी खुशहाल रहना चाहता है, बीवी बच्चों में रहना चाहता है, खुशहाल घर में रहना चाहता है, हंस के मुस्कुरा के रहना चाहता है, फिर कोई दुनिया में जीना नहीं चाहता है। कुरान करीम जिस खुदा की किताब है उसने इंसान को बनाया है, वो इंसान की फितरत को जानता है। इसलिए कुरान करीम जिस अंदाज में लोगों को अपील करता है वो यही है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया के अंदर भी कामयाब फरमा, यहाँ भी हमें बेहतरी अदा फरमा और आखिरत में भी बेहतरी अदा फरमा। कहीं भी हम घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, न यहाँ न वहाँ। दीन जो है कामयाबी का अगर रास्ता है तो यहाँ भी हमको कामयाबी अदा फरमाएगा, वहाँ भी हमें कामयाबी अदा फरमाएगा। और इसको कुरान करीम खुद बता रहा है कि अगर ये लोग ईमान और तकवा की राह अख्तियार करते तो हम तो इनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, खाया नहीं जाता इतना इनको खाने के लिए देते। ऐसे वसाइल ऐसे अहबाब ये झूठी चमक दमक से रीझ गए, निजाम है बातिल ने जो चंद रोटी के टुकड़े इनके ऊपर फेंके ये उसके ऊपर रीझ गए। हालांकि वो तो सिर्फ खाने के लिए थे, जैसे कि मछली के लिए वो डाल देते हैं गोश्त का टुकड़ा, मछली बड़ी खुश खुश आती है खाने के लिए, वाह कितना बड़ा घेसा मुझे मिल गया खाने के लिए, और ये मालूम नहीं कि अभी मैं मुंह मारूंगी तो मैं शिकार हो जाऊंगी, ये पता नहीं है। शिकार करने के लिए वो घेसा उसमें बंधा होता है कांटे में, और ये समझते हैं कि हमारा नाश्ता इसमें रखा हुआ है। तो इंसान ये नहीं समझता है कि जो निजाम है बातिल तुमको झूठे लुकमे चंद देते हैं, जो झूठी चमक दमक है ये तो तुम्हें फांस लेते हैं, ये तो तुम्हें बर्बादी के राह पर डाल देते हैं। असल बरकतें, असल कामयाबियां, दुनिया की असल खुशहाली तो तुम्हें इस्लाम अता करे, निजाम हक इस्तेमाल अता करे। वाला उन्हें मामनू तकाओ, ये जो है खामखई भटक ली, खामखई दूसरों की चमक दमक पे रीझ गए, समझे बस यही है कामयाब लोग, हम तो मट्टी में धंसने के लिए पैदा हुए हैं, इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं का झंडा उठाएंगे, इन्हीं का नारा लगाएंगे तो रोटी भी मिलेगी, वरना रोटी भी नहीं मिलेगी। इस्लाम तो भूखा मार देगा, फाके करा देगा हमें, हमें तो ये तो अल्लाह का ऐसा बिल्कुल नहीं, इस्लाम कोई फाके नहीं है। वाला उन्हें मामनू तकाओ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए, लोग अगर ईमान और तकवा की राह अख्तियार करें तो हम तो उनके ऊपर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल दें। आसमान बरकतें हकीकी, वो नहीं है झूठी झूठी जो ये है कि तुम बदलना मकाना सैयदुल हसना, ये नहीं कि जो देखने में अच्छे हालात लगते हैं, पैकिंग बड़ा खूबसूरत लगता है, वो नहीं, बल्कि हकीकी तौर से बरकत हम लोगों को अता फरमाए। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन लोग तो झुठला देते हैं, लोगों ने झुठला दिया, फ़अख़ज़ नहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हम उनके अमाल के सबब फिर उनको पकड़ लिया करते हैं, बाद में पकड़ते हैं, पहले बासा फिर जर्रा और फिर अच्छे हालात, फिर बाद में पकड़ लेते, ये बाद में जो पकड़ना है ये होता है अजाब। क्या ये लोग ये समझते हैं बस्तियों वाले हमारा अजाब नहीं आएगा, ये सो रहे होंगे सोते में नहीं आ जाएगा, ये दोपहर में खेल कूद कर रहे होंगे और अजाब नहीं आ जाएगा, हमारा अजाब छुप कर भी आएगा दिन दहाड़े भी आएगा, बयातमून सो रहे होंगे छुप कर भी आएगा अचानक बेखबरी में भी आएगा, जो हम वह अलाबून दिन दहाड़े भी आएगा, हमको कोई रोक नहीं सकता, कैसे भी हमारा अजाब आ सकता है। अफा अमीनू मकर अल्लाह, क्या ये लोग खुदा की चाल से अपने आप को महफूज समझते हैं? अफा अमीनू मकर अल्लाह, खुदा की चाल से अपने आप को महफूज समझते हैं? चाल मकर कर रसूल अल्लाह ताला ने चाल चाल मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को, जो आप समझ ना सके आखिर तक आप बस तले खड़े रहे कि वाह मैं तो जीत गया, मैंने तो बाजी मार ली, पाला मार लिया मैंने, मैं तो कोई हराने वाला नहीं, मैं बड़ा कामयाब हूँ। अब पता नहीं कि आपकी तबाही आपकी जड़ खोखल हो चुकी है, आप तबाह होने वाले हैं, आखिरी सेकंड तक आप तने खड़े हैं, कैमोफ्लेज जैसे कि लश्करों में आपने देखा होगा कि वर्दियां रंग देते हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो है बिल्कुल ऐसी झाड़ी बना देते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मकर अरबी में धोखा देने के लिए भेष बदल लेना, धोखा देने के लिए भेष बदल लेना। बाहर से जहाज अगर कोई भी यानी पंपिंग कर रहा है तो वो समझे नहीं कि नीचे झाड़ियां हैं कि आदमी, वर्दी का रंग देख के धोखा खा जाए, तो अल्लाह ताला कैमोफ्लेज करता है, धोखा धोखा, तुमको लगता है बड़ा आराम बड़े अकराम बड़ी ऐश आ रहे हैं बड़े मजे आ रहे हैं, लेकिन ये उसका तस्वीर होती है। चाल जो है अरबी में उर्दू में जो है गलत माना में समझा जाता है इसको चाल को, लेकिन असल में आप गौर करें तो ये कोई बुरा लफ्ज नहीं है, चाल चेस है, शतरंज हो रहा है, आप अपनी चाल चल रहे हैं, मैं अपनी चाल चल रहा हूँ, इस चाल में जिसकी बेहतर चाल होगी वो जीत जाएगा, जिसकी बेहतर चाल होगी वो जीत जाएगा, यानी जो सही तौर से अपनी कोर्ट चलेगा, जो सही तौर से अपने अस्बाब को इस्तेमाल करेगा वो जीत जाएगा, इसी को चाल कहते हैं। खुदा ताला की चाल का मतलब ये है कि खुदा ताला ऐसे सेट करता है अस्बाब को हालात को कि आप डिफीट खा जाएंगे, खुदा ताला से आप जीत नहीं सकते हैं, आपके सारे गट्स सारी जितनी भी आपने अकल इस्तेमाल की है जितना भी आपने सेट किया है, मैं तो बड़ा चालाक बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा प्लानिंग करने वाला, इसके मुकाबले में खुदा ताला जब अपनी मनसूबे को अमल में लाएगा तो आपकी सारी प्लानिंग रखी रह जाएगी, ये मतलब है मकर। तदबीर खुफिया उसकी चाल, अब उसकी बारी है, वो अपनी चाल चल रहा है, आप अपनी चाल चल चुके हैं। अमीन मकर अल्लाह, ये खुदा की चाल से अपने आप को बड़ा महफूज समझते हैं। फला यामनु मकर अल्लाह इल्ला अल कौमुल खासिरून,
और जिन्हें पयानेकार नुकसान उठाना है वही खुदा की चाल से बेखौफ हुआ करते हैं। जो बर्बाद हो जाने वाले हैं आखिर बुद्धि मारी जाती है उनकी, मत मारी जाती है, मत मारी जाती है तबाह होने वाले कौमों की, बेखौफ हो जाते हैं, समझते नहीं खुदा ताला के मंसूबों को। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है तब किसी कौम की किस्मत में जवाल आता है। अल्लाह ताला पहले अकले मस्त कर देता है, सोचते हैं कि खोपड़ी जो है वो घूम जाती है, समझ में नहीं आता, सोचते हैं बड़े कामयाब, वाह बड़े कदम आगे जा रहे हैं हमारे, बड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं, और तबाही बर्बादी बिल्कुल मुंतजिर है। इसका मालूम नहीं होती कि बिल्कुल मुंतजिर है, ये अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया। और फिर आपसे एक सवाल, अवलम यहदिल लदीना यरिथून अर्ध मिन बादिहा अहलिहा अल्लाहु नशा वसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, फिर इन कौमों के बाद जो दूसरी कौमें आई आखिर उन्हें सबक क्यों नहीं मिला? ये सारी कौमें जिनके किस्से बयान हुए, ये आद, ये समूद, ये कौम लूत, किस चीज में कम थे ये लोग? दौलत नहीं थी, जमीयत नहीं थी, सियासत नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, ताकत नहीं थी, कौन सी चीज इनके पास नहीं थी? अकलमंद नहीं थे, चाले खूब चली इन्होंने, जमीन से नेस्तो नाबूद क्यों हो गए ये? क्या बात थी, कौन सा जुर्म सरजद हुआ था इनसे? मजालिम, जुल्म की इंतहा, रुदवान, सरकशी और आंखों पे पर्दे पड़ जाना, जब ये इंतहा को पहुंच जाता है तो ऐसी कौम को फिर खुदा ताला अजाब देने का फैसला कर लेता है। ये बारहा, ये कहानी बारहा दोहराई गई है तारीख में, एक कौम नहीं हजारों कौमें तबाह हुई हैं, पूरा रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है। बहुत बहुत तरक्की याफ्ता, साइंस के एतबार से बड़ी तरक्की याफ्ता कौमें तबाह बर्बाद हो गई, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा सबक तुमने क्यों नहीं लिया? जिस बाट से खुदा ताला ने दूसरे को तोला उसे तुम्हें क्यों नहीं तोलेगा? तुम्हारे लिए दूसरी तराजू है, तुम्हारे लिए दूसरे बाट है, दूसरे कवानीन है, आखिर कौमें सबक हासिल क्यों नहीं करती? ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, अवलम यहदिली लदीना यरिसुना अर्ध मिन बादिहा अहलिहा अल्लाहु नशा वसबनाहुम बिज़ुनूबिहिम, आखिर क्यों नहीं करते? वनतबउ अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं हम, मोहर लगा देते हैं यानी पट कर देते हैं उनकी आंखों को, चौपट हो जाती हैं उनकी अकलें, कुछ समझ में नहीं आता। मोहर लगाने का मतलब ये होता है जब किसी कौम को बर्बाद करने का इरादा करते हैं तो उसकी अकलें चौपट कर देते हैं। आप कहते हैं जब अल्लाह ने चौपट कर दी तो फिर अल्लाह में नाराज क्या हो रहा है? चौपट कर दी अकल तभी तो गलती हो रही है, तो चौपट तो अल्लाह ने की है। सवाल का मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, खुदा ताला उन्हीं कौमों की अकलें चौपट करता है जो अपने आप को इसका अहल साबित कर देती है कि हाँ हमें चौपट कर देना चाहिए। खुदा ताला फिर अपने उस कानून को अमल में लाता है और किसी कौम की तबाही की इब्तिदा होती है जब उसकी अकल पर मोहर लगा दी जाए। मोहर लगाने का मतलब यह है कि अब इसकी बर्बादी का फैसला हो चुका, और ये मोहर लगती है उस वक्त जब वो उसके लिए जवाब फराहम कर देती है, जब अपने आप को जस्टिफाई कर देती है, वाकई मैं इस काबिल हूँ कि मेरी किस्मत पे मोहर लगा दी जाए, तब खुदा ताला लगाता है अपने कानून के मुताबिक। पहले अपने आप को कौम मुस्तहिक बनाती है उस मोहर का और फिर खुदा ताला लगाता है, ये मतलब वनत बहुबीम फहम लाइसमाउन, क्यों लगाता है? इसका जवाब अगली आयत में है। हम उन पर मोहर लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, किस तरह लगा देते हैं, या इसका जवाब यह है, तिलकल खुरा नकुस अलैकुम मिन अंबाइहा, देख लो इन कौमों को जिनके किस्से हमने तुमसे बयान किए हैं, लकद जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उनके पास हमारे रसूल आए और सारे दलाइल लेकर के आए, सारी निशानियां लेकर के आए, कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, बात को पूरी तरह से समझा दिया, फमा कानू लियुमिनू, लेकिन वो ईमान लाकर ही न दिए, बिमा का जबू मिन कबल, वजह ये थी कि ये जिद थी उन्हें कि वो तो पहले इनकार कर चुके हैं, जिस बात का एक दफा ना निकल गई तो ना निकल गई, इनकार कर दिया तो कर दिया, अड़ गए तो अड़ गए, बस नाक का सवाल है, मूंछ का सवाल है, अपने अपनी बिरादरी, अपनी अपनी जात बिरादरी और अपनी पार्टी का सवाल है, अपनी जमीयत का सवाल है, इसलिए बिमा का सबू मिन कबल, चूंकि इनकार कर चुके थे इसलिए मानकर नहीं दिया, कजा लिखा यतबाउल्लाह अला कुलूबिल काफिरीन, इसलिए अल्लाह मोहर लगा दिया करता है, इस तरह अल्लाह ताला मोहर लगा दिया। मोहर शुरू में बताया हम मोहर लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, उसका जवाब ये दिया, लोग जब जिद्दो इसरार में और इनकार में इतने जिद्दी हो जाते हैं, बात हक मानकर देते नहीं, दिल में आता है मगर अकल से मानकर नहीं देते हैं, तस्लीम जबान से करके नहीं देते हैं, ये वो वक्त होता है जब खुदा उनके ऊपर मोहर लगा दिया करता है, इस तरह मोहर लग जाया करता है, इस तरह मोहर लग जाती है। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन वमा वजदना लि अक्सरिहिम मिन अहद, हमने लोगों की अक्सरियत को अहद का पाबंद नहीं पाया, लोगों की अक्सरियत को हमने अहद का पाबंद नहीं पाया। अहद क्या है, कौन सा अहद है जिसका पाबंद नहीं पाया? हर बार जब जूते लगते हैं तो अहद करती है कौमें भी और अफराद भी कि अब हम गलत राह पे नहीं चलेंगे। जब खुदा ताला की तरफ से जूता पड़ता है तो अहद ये होता है कि हाँ अब सही कर लेंगे, अपने आप सही कर लेंगे, हक को मानेंगे, हक की तलाश करेंगे, लेकिन जो ही अच्छे हालात आए उस अहद को फरामोश कर देते हैं। यही वो अहद है जो इंसान की फितरत में है, जूता खाने के बाद हाथ जोड़ना, हालात सही हुए तो भूल जाना, वैजा मसल इंसान तुरंत आना तुम मैजा खबला नियमत मिन्ना काला इनमा होती थी वाला इल्म इंदी, जब इंसान पर आफत टूटती है बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगने लगता है,
हाथ फैला देता है खुदा के आगे, बारी ताला परवरदिगार। और जब मिन्ना, फिर जब उसके हालात अच्छे हो जाते हैं, अला इनमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तो कहने लगा है, कहने लगता है ये सब कुछ तो इसलिए हुआ है कि मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। अला इनमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कैसा पढ़ा लिखा, कैसा इल्म वाला, कैसा गर्स वाला हूँ, हालात को पलट देना जानता हूँ, हालात को पलट के रख दिया मैंने, कैसे बुरे हालात आए थे कैसा पलट के रख दिया मैंने, कोई बात है मेरे अंदर, इनमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये इंसान की नफ्सियात अल्लाह ने फरमाई। जरा जूता पड़ेगा सब भूल जाएगा, अब हाथ जोड़ रहा है, सजदे पे सजदा कर रहा है, दुआ पे दुआ मांग रहा है, खुदा ताला से अहद वफादारी उस्तवार कर रहा है, और जरा कुछ हालात निपटे नहीं, जरा कर्फ्यू हटा नहीं, मस्जिदें खाली एक बार फिर खाली हो जाती। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, जरा कुछ परेशानी हुई तो आयत करीमा हो रहा है 1,25,000 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानकल्लाहु वा बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा। मस्जिदों में चादर बिछा बिछा कर जोए पड़े जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत नर्म टोपी हर एक के सर के ऊपर रखी हुई है, अजान सुनती दौड़ रहे हैं, मस्जिद भरी पड़ी है, और उसके बाद हालात जरा बेहतर हुए तो फिर वीसीआर लग जाता है, फिर सिनेमा हॉल आबाद हो जाते हैं, फिर खुदा का खौफ दिल से निकल जाता है, इंसान अपने अहद को निभाता नहीं। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, इंसानों की अक्सरियत उस अहद को फरामोश कर देती है जो आजमाइशों में और मुसीबतों में वो अपने खुदा से करता है, उसको फरामोश कर देती है। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद वही वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और अक्सर लोग तो हमने यही देखा कि वो हद इताअत से निकल जाते हैं, आते हैं हद इताअत में, मौका मिलते ही भाग निकलते हैं, मौका मिलते ही भाग निकलते, बस थोड़ी देर के लिए जरा दिल में कुछ गुदाज आया, जरा नरमी आई, वो कैफियत मुस्तकिल नहीं हो पाती। हालांकि ये मसाइब इसलिए आते हैं कि वो कैफियत मुस्तकिल हो जाए आपके अंदर, खुदा ताला से आपका दिल जुड़ जाए, अगर ये चीज है तो वो आजमाइशें आपके लिए रहमत बन जाएंगी, रहमत बन जाएंगी, और अगर ये चीज पैदा नहीं होती तो ये आपके लिए बायस अजाब बन जाएंगी। ये अल्लाह ताला ने इसमें आपको अजाब और आजमाइश का फलसफा पूरी तरह से समझाया। मैं एक दफा तर्जुमा की देता हूँ, और कोई भी बस्ती ऐसी नहीं है, हमने नहीं, किसी बस्ती में भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई रसूल भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को ये पहले तंगी और सख्ती में हमने मुब्तला न किया हो, यानी माली तंगी में और अमराज की तंगी में मुब्तला न किया हो, इस ख्याल से कि शायद उनके दिल में गुदास पैदा हो जाए, फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल देते, फिर हम ये करते हैं कि बदहाली को खुशहाली से बदल देते, यहाँ तक कि वो खूब फल फूल जाते हैं, कहने लगते हैं हमारे बुजुर्गों पर भी अच्छे बुरे हालात आए थे, ये कौन सी नई बात है, ये तो कानून कुदरत है, चलता ही रहता है, ये सच है, ऐसा होता ही रहता है, अच्छे बुरे हालात हमारे पर आते ही रहते हैं, आखिरकार हम अचानक पकड़ लेते हैं और उन्हें खबर तक नहीं होती, अचानक पकड़ लेते हैं, अजाब आ जाता है। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की रहिश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो झुटला दिया, लिहाजा हमने उस पूरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वो समेट रहे, फिर क्या बस्तियों के लोग अब इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त नहीं आएगी जबकि वो सोए पड़े होंगे, क्या उन्हें इत्मीनान हो गया है कि हमारा मजबूत हाथ कभी यकायक उन पर दिन के वक्त नहीं पड़ जाएगा जबकि वो खेल कूद में मसरूफ होंगे, क्या ये लोग अल्लाह की चाल से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं, हालांकि अल्लाह की चाल से वही लोग बेखौफ होते हैं जो तबाह होने वाले होते हैं, फिर क्या इन लोगों को जो साबिक अहले जमीन के बाद जमीन के वारिस हुए हैं इस अमरे वाकई ने कोई सबक नहीं दिया कि हम जब भी चाहते हैं तो उनके कसूरों पर उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन वो सबक आमोद हकायक से तगाफुल बरतते हैं और हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल में मौजूद है, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर के आए थे मगर जिस चीज को वो एक बार झुटला चुके थे फिर उसे मानकर ही न दिया, देखो इस तरह हम मुनकिरीन हक के दिलों पर मोहर लगा देते हैं, और हमने लोगों की अक्सरियत में पास अहद नहीं पाया है बल्कि अक्सर लोगों को हमने यही देखा कि वह एहतियात से निकल जाते हैं। कुछ सवाल दस के बारे में, फैसला इससे होगा कि ये अहले इस्लाम है, मुसलमान पर अजाब नहीं आएगा, ये आजमाइश है खुदा से जोड़ने के लिए, चुनाव जुड़ गए, वही बोस्निया के लोग जो जिनके औरतें जो है अंडरवियर पहने घूमती थी, वही बोस्निया के लोग जो मस्जिदों में जाते नहीं थे आज अपनी पहचान अपनी शनाख्त इस्लाम से कर रहे हैं, यही तो गजर है जो आजमाइश के नतीजे में उनके अंदर पैदा हुआ, खुदा से जुड़ गए वो, यही आजमाइश का मकसद था। कौन चेचनिया में जानता था कि इस्लाम क्या है, बोस्निया में कौन जानता था इस्लाम क्या है, आज अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, आज अल्लाह अकबर के नारे में अपनी कुव्वत तलाश कर रहे हैं,
कम्युनिस्ट रूस में रहने वाले चेचनिया के लोग जिन्होंने कभी मजहब की बात नहीं सुनी थी आज मजहब के अलमबरदार बने हुए हैं। ये इस बात की अलामत है कि आजमाइश अजाब नहीं, अजाब होती थी तो और तबाह हो जाते और पट हो जाते और दीन से दूर हो जाते और खुदा की लानत के और मोहर के मुस्तहिक हो जाते और भी ज्यादा। अगर अजाब होता तो दीन के करीब नहीं आते, दीन से दूर होते। आजमाइश है इसलिए दीन के पास आए। सीधी सी बात, मैंने जिन लोगों की बात कही थी उनकी नजदीक आमाल कहते हैं नमाज पढ़ने को। मैं जिनकी बात कह रहा था ना कि आमाल हमारे अंदर नहीं रहे इसलिए हम पे अजाब आ रहे हैं, वो अमाल का तर्जुमा करते हैं नमाज। लेकिन मेरे लफ्ज नहीं था वो, मैंने अभी तरफ से नहीं बोला था वो। हमारे नजदीक तो अमाल पूरा दिन है, पूरा दिन, दिन का हर हुक्म जो है वो अमल में शामिल है। पूरा दिन अमल ही अमल है, अल्लाह की जिस अमर को भी आप पूरा करते हैं वो अमल है। जिंदगी के हर मामले में खुदा तआला की हिदायत और रहनुमाई मौजूद है। यानी कि मिसाल के तौर पर अब ये सात भाई बैठे हैं और ये इसको सेट कर रहे हैं, इसको टेप रिकॉर्डर को सेट कर रहे हैं या माइक को सेट कर रहे हैं। अब अमल क्या, अगर आप रिवायती तस्वर से आशना है तो आपसे ये कहेंगे कि नमाज के लिए जाने वाले हर कदम के ऊपर 10 नेकी मिलती है, चूंकि उसको आपने अमल समझा। लेकिन जो आदमी हर अमल को जो दीन को तकवीत पहुंचाए अमल समझ रहा है, वो यूं भी कह सकता है कि जितनी बार ट्यूब घुमा रहे हैं हर ट्यूब पर 10 नेकियां मिल रही है। ये पोस्टर चिपकाने के ऊपर जो है 1000 नेकियां मिलती है, इससे सजाने पे इतनी मिलती है, दरी बिछाने पे इतनी मिलती है, माइक सेट करने पे इतनी मिलती है, क्योंकि अमल का कॉन्सेप्ट ये हुआ अब कि हर वो चीज जो इस्लाम को तकवीत पहुंचाए वो अमल है। हर वो चीज अमल है, लई बनाई जो आपने पोस्टर के लिए उस पर आपको इतनी नेकियां मिली, हर वो चीज जो नारा लगाया आपने इस्लाम के लिए उस पर आपको इतनी नेकियां मिली, हर चीज पर अमल है। जो सेल आपने सेट किया उस सेल सेट करने में आपको 10,000 नेकियां मिल गई मिसाल के तौर पर। तो अब यानी इस कॉन्सेप्ट को जो चीज भी दीन के लिए फायदेमंद है उसमें आप जब इन्वॉल्व होते हैं वो अमल है हमारे नजदीक, और उसके लिए सवाब के खुदा के वादे, सवाब उसको मिलेगा आप। देखिए सियासत एक मेरे गलतफहमी दूर कर लीजिए, ये सवाल होता है बार बार, मैं आपको बता दूं, हम फिलहाल जो है जाहिर है कोई सियासी निजाम नहीं चला रहे हैं, है ना, कोई सियासी निजाम नहीं चला रहे हैं, मुसलमान इस्लाम इस्लाम वाले, हम तो एक और सियासी निजाम के तहत रह रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर सियासत का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि अपनी मिल्लत के हालात से वाकिफ रहना, मिल्लत के जो लोग जो है इस्लाम के सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए दुआ करना, दुआए खैर करना, उनसे अपने जज्बात को वाबस्ता करना, ये कह सकते हैं। इसको आप सियासत भी कह सकते हैं सियासी हालात में, बल्कि इसको आप ज्यादा बेहतर अंदाज में मिल्ली हालात से दिलचस्पी मिल्लत से वाबस्तगी कह सकते हैं, जाहिर बात है। और उसके लिए तो हुजूर की हदीस है कि जो अपनी मिल्लत से मल्लम यातम भी उमूर मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, जो लोग मिल्लत के हालात से दिलचस्पी ना रखे वो मुसलमान नहीं है। मिल्लत के हालात से इसकी दिलचस्पी ना हो कि क्या बीत रही मिल्लत के ऊपर वो मुसलमान नहीं, मल्लम यातम भी उमूर मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। और फिर ये कि दुनिया के सामने ये बात वाजे करना कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम बरहक नहीं है और अल्लाह के अलावा कोई मुताए बरहक नहीं है, ये वो फर्ज है जो नमाज से भी पहले मुसलमानों पर फर्ज है। इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर है, ईमान की नहीं इस्लाम की। शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व इकामत सलाह व इताए ज़का, ला इलाहा की शहादत देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, रोजा रखना, ये 5 अरकान है इस्लाम के। लोग इसमें से पहले रुकन तर्जुमा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, पढ़ने का लफ्ज नहीं है इसमें बल्कि शहादत देना, दुनिया के सामने इस बात को वाजे करना कि अल्लाह ताला के अलावा। शहादत का मतलब होता है वो बात जो आप जानते हैं उसको बता दें जो नहीं जानते, शायद का मतलब ये होता है जो दुनिया वाकिफ नहीं है खुदा ताला की उलूहियत से, उसकी हाकिमियत से, उसके उसको आप आगाह कर दें, बता दें, ये आपके ऊपर वो फर्ज है जो नमाज से भी पहले फर्ज है। और कुरान करीम की तमाम आयात के अंदर इसका तस्करा मौजूद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नमाज फर्ज नहीं की गई थी उस वक्त भी ये फर्ज किया गया था, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर वरब्बका फकब्बिर, पहला फर्ज है ये। 5 फर्जों में से सबसे पहले लोग नमाज का जिक्र करते हैं और इसको डाल देते हैं शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह को ईमान वाले खाने में कि हमने कलमा पढ़ तो लिया, हालांकि कलमा पढ़ना मुराद नहीं है बल्कि दुनिया के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम और कोई मुताए बरहक नहीं है, ये आप पर वो फर्ज है जो नमाज से भी पहले फर्ज है, ये वो अमल है जो नमाज से भी बड़ा अमल है, ये उस वक्त भी फर्ज था जब नमाज भी फर्ज नहीं थी और हुजूर के ऊपर भी फर्ज है। इसको अच्छी तरह समझ लें, ये इस्लाम का रुकन है, ईमान का रुकन नहीं है, ये 5 अरकान इस्लाम के हैं,
और अगर हम लाइला का तर्जमा वही कर लें, लाइला के ऊपर ईमान रखना, तो ईमान का फर्द हो जाएगा, इस्लाम का नहीं होगा। ये इस्लाम के पांच अरकान, जिसमें पहला रुकन है शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अमल तो सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा अमल नमाज से बड़ा अमल, मैं आपको कदियत के साथ कह रहा हूँ, नमाज से बड़ा अमल है ये, नमाज से बड़ा फर्ज है ये, कि दुनिया के सामने इस बात की शहादत दी जाए कि अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा सच्चा हाकिम, कोई मुताह हकीकी नहीं है। लोग कहते हैं नमाज का जिक्र 700 जगह आया है कुरान करीम में, हो सकता है 700 जगह आया हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं। 6000 आयतें कुरान करीम में, 10% आयतों में कुरान में नमाज का जिक्र नहीं है, लेकिन अलबत्ता इस्लाम के इस्तेला का जो जिक्र है वो कुरान करीम की दो तिहाई आयत के अंदर मौजूद है। 6000 आयतों में कम से कम 4000 आयतों में मौजूद है ये फर्ज, इसका तस्करा, इसकी जद्दोजहद, इसकी दास्तान और हुजूर अकरस के हदीस के अंदर ही मौजूद है। जाहिर है इसका कोई तस्करा क्यों नहीं करता, इस बात को आपको समझना चाहिए, यानी इसका तस्करा कोई क्यों नहीं करता, जो उससे बड़ा पहला फर्ज है बाकायदा, और उसी सीगे अमर के साथ कुरान करीम में जगह जगह है, सीगे अमर के साथ या जगह जगह सीगे, उसी सीगे अमर के साथ है, जिसके साथ अकीम सलात का है, सीगे अमर के साथ। उसको लोग फर्जी नहीं समझते, समझते हैं तो जाहिर की बात है सियासत की बात कर रहे हैं अलग से, कोई असल तो नमाज से शुरू होता है दीन, लोग ऐसा समझते हैं कोई अलग से कह रहे हैं ऊपर ऊपर से, फालतू टाइम की बात है ये, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो अमल का सही कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहला फर्ज आपके ऊपर है इस्लाम को गालिब करने की जद्दोजहद करना, लोगों को समझाना, उसके बाद दूसरा फर्ज आता है नमाज, सेकंड शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व इकाम अस्सलाह, नंबर दो اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين